तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकल रूप पे। और आज मैं एक साउथ की धमाकेदार मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है मोना गुरु मोना गुल्लू। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और इस मूवी का जॉनर है सस्पेंस थ्रिलर क्राइम कॉमेडी। और इस मूवी को IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की। भाई रेटिंग से समझ सकते हो ये मूवी कितनी ऑसम है और ये मूवी एक धमाकेदार मूवी होने वाली है। इस मूवी को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। और इस मूवी को देखने के बाद ना भाई मैं टोटली इम्प्रेस हो गया था। और ये मूवी भाई कॉमेडी में एक नंबर है। और इस मूवी की स्टोरी ना भाई पूरी तरह यूनिक है। और इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स है ना भाई उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। और इस मूवी को भाई जिस तरह भाई डायरेक्ट किया गया है ना, जिस तरह पर्दे पे भाई प्रेजेंट किया गया है, भाई काबिले तारीफ है। और इस मूवी को देखने के बाद ना ये मूवी भाई आप पे एक अलग ही छाप छोड़ के जाती है। और इस मूवी के अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो वो भी तबाही है। और अगर इस मूवी का फर्स्ट हाफ की बात करें तो भाई इस मूवी का फर्स्ट हाफ में टोटल आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी के सेकंड हाफ की बात करें ना तो इस मूवी के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा जो बंदा क्राइम कर रहा है ना, मर्डर्स कर रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी में ना आपको भाई तीन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, एक अंधा, एक बहरा, एक गुंगा। और इनकी क्या स्टोरी है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी के कैरेक्टर से ना आपको कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें ना तो स्टेट में ना कुछ मर्डर्स हो रहे हैं और उस मर्डर के पीछे ना किसका आता है, ये पूरी मूवी ना इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, इस मूवी में जो गुंगे का कैरेक्टर ना वो एक लाइब्रेरी में काम करता है और वहां पे उसको एक लव इंटरेस्ट देखने को मिलती है। और इनका लव कैसे सक्सेसफुल होता है उसके लिए आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी। और अगर सेकंड कैरेक्टर की बात करें ना तो सेकंड कैरेक्टर ना इस मूवी में अंधा है और वो एक डॉग ट्रेनर है, और उसका क्या रोल है इस मूवी में उसके लिए आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी। और अगर तीसरे कैरेक्टर की बात करूं तो तीसरा कैरेक्टर बहरा है जो एक बहुत बड़ी ना नेटवर्क कंपनी में काम करता है, और उसको ये जॉब कैसे मिलती है और वो चीज देख के भाई आपको मजा आ जाएगा। और इस मूवी में जो गूंगा है ना उसकी भाई एक गर्लफ्रेंड होती है लेकिन उसका ससुर मान नहीं रहा होता है, और वो कैसे मानता है ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये तीनों कैरेक्टर ना एकजुट होकर कैसे मर्डर को पकड़वाते हैं ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी की हिंदी डबिंग की बात की जाए ना तो इस मूवी की हिंदी डबिंग कुछ ज्यादा खास नहीं है। और अगर इस मूवी के एक स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स और क्लाइमेक्स की बात करें ना तो सब एकदम बहुत बढ़िया है। और ये मूवी एक इंटरटेनिंग मूवी होने वाली है। ये मूवी भाई आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी और पूरी मूवी ना 1 घंटे 54 मिनट के आसपास जाएगी। और इस मूवी में ना एक पर्सन है जिसकी ना मेंटली कंडीशन है और वो अपने आप को राजा समझता है और वो कैसे इन क्राइम से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए ना, स्टेट में ना कुछ पॉलिटिशियंस के मर्डर हो रहे होते हैं और उन मर्डर्स के पीछे किसका हाथ होता है, पुलिस वालों को ना कुछ पक्का एविडेंस नहीं मिलता, तो ये जो तीन पर्सन होते हैं ना वो कैसे इन पुलिस वालों की मदद करते हैं और ये तीनों लोग ना उन मर्डर्स तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, और वो जो मर्डरर है ना वो इनको छोड़ेगा या नहीं, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये जो सारे मर्डर हो रहे होते हैं ना वो एक बुक में लिखा होता है और उसके अकॉर्डिंग ये मर्डर हो रहे होते हैं, और कैसे पुलिस वाले पता लगाते हैं ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी के भाई बेस्ट सीन के बारे में बात की जाए ना, इस मूवी में जो एक गुंगा पर्सन है ना वो कैसे बस स्टैंड पे खड़ा होता है और उसके साथ ना एक बंदा प्रैंक कर रहा होता है कि भाई इसके सर में गोली मार, पेट में गोली मार, और वो गुंगा होता है ना तो उसको समझ नहीं आता कि यार बंदा बोल क्या रहा है, तो वो पर्सन आके उसको 10,000 देता है कि भाई आप प्रैंक जीत गए हो और ये लो 10,000। भाई वो सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है। और अगर इस मूवी के दूसरे सीन की बात करें ना, जब पुलिस वालों को पता चलता है ना कि इन तीनों की जान खतरे में, तो वो कैसे इनको ना एक फार्म हाउस में रखती है और वहां से ये तीनों जब कॉल करते हैं ना तो कैसे भाई एकजुट होके ये पर्सन से बात करते हैं, भाई वो चीज भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और ये मूवी एक एंटरटेनमेंट मूवी होने वाली है। इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो और इस मूवी में कोई सेक्स सीन या गाली वाली नहीं है, तो इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। और अगर ये मूवी आपने देखी है ना तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस मूवी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।